हेलो हेलो, नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है यूजीसी नेट हिस्ट्री, ऑल स्टेट सेट हिस्ट्री, पीजीटी हिस्ट्री, टीजीटी हिस्ट्री। ठीक है, तो आज जो क्लास है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 309 है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 309, और आप सभी को पता होगा सिंधु सभ्यता टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, पहला सवाल देखो दोस्तों, प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं और सभी की जो है थ्योरी कंप्लीट हो गई होगी, आशा करता हूँ सभी ने थ्योरी कंप्लीट कर ली होगी। तो जो भी वाजिब सवाल हैं उसको लेकर आपके सामने हाजिर हैं। तो दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय प्रास्थल है, कहाँ पर है ये हड़प्पीय? ठीक है, जम्मू का, पंजाब का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का? आपको 20 सेकंड का समय मिला कमेंट करने के लिए। ठीक है, तो जो दधेरी है वो है आपका पंजाब का। ठीक है, यहाँ पर रोपड़ और दधेरी। ठीक है, अगर बात करें जम्मू का तो मांडा। ठीक है, हरियाणा में बनावली, भगवानपुरा, राखीगढ़ी, मीठाथल, सुल्तानपुर, ठीक है, और यहाँ पर बनावली, भगवानपुरा, राखीगढ़ी, मीठाथल, सुल्तानपुर, हिसार, ठीक है, और बहुत सारे हैं। ठीक है, अब नाम याद नहीं आ रहे। उत्तर प्रदेश में मांडी, मांडी, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, सहारनपुर, सहारनपुर, ठीक है। इसके अलावा कनौली, ठीक है, तो राइट आंसर है पंजाब का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दो है, लोथल का गोदीबाड़ा। गोदीबाड़ा मतलब दोस्तों डॉकयार्ड, बंदरगाह है। तो लोथल का गोदीबाड़ा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था, यानी किससे जुड़ा हुआ था, किस नदी से? भीमा, भोगबा, नर्मदा, सिंधु। दोस्तों यहां पर जो है ये भारत का नक्शा है। ठीक है, यहां पर आपका कहाँ है? गुजरात है, गुजरात, ये वाला गुजरात है। यहां पर क्या है? लोथल है। ठीक है, तो यहां से क्या है, एक नदी बही हुई है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ क्या लोथल है यहाँ पर, तो ये जो नदी है यहां से एक उन्होंने रास्ता निकाला हुआ है इस तरीके से, और यहां पर क्या है तो बंदरगाह है। ठीक है, बंदरगाह है, तो ये जो बंदरगाह है एक कहते हैं भाई एक नहर टाइप है, उससे एक नदी से जोड़ा गया है। ठीक है, नदी से, तो उस नदी का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स उसका नाम है भोगवा नदी। भोगवा नदी है, ये कौन सी नदी है? यह है भोगवा नदी, भोगवा नदी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एस आर राव ने इसकी खोज की, लोथल की, एस आर राव ने इसकी खोज की। ठीक है, अगर बात करें लोथल से दोस्तों, बंदरगाह मिला है, पंचतंत्र की कहानियां की, तो
मिली है, ठीक है, फारस की मुद्रा मिला है और कोड़ीय पैमाना मिला है, ठीक है, हाथी दांत का लटकन मिला है। उसके अलावा दोस्तों बहुत सारे मुद्राएं मिली हैं, ठीक है, और युगल बंदरगाह मिला है, यज्ञ वेदी मिली है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? देखो दोस्तों, जो जितने भी ज्यादातर शहर थे वो इस तरीके से डिवाइड थे, ठीक है। यानी कि देखो, अगर बात करें दिशा सूचक की, तो ये उत्तर है, ठीक है, ये पूरब है, ये दक्षिण है और ये है पश्चिम। तो जितने भी नगर थे दोस्तों वो इस तरीके से डिवाइड थे, इस तरीके से, ठीक है। और ज्यादातर जो नगर थे वो 2 पार्ट में डिवाइड थे, ठीक है, दुर्ग नगर और ये है निचला नगर, ठीक है। परंतु दोस्तों एक नगर ऐसा था जो 3 भागों में डिवाइड था, दुर्ग नगर, ठीक है, और एक दुर्ग नगर हो गया, एक था मध्यम नगर, मध्यम नगर, एक था निचला नगर, ठीक है। तो ये जो आकृति थी केवल एक ही नगर में थी, उसका नाम था धोलावीरा, ठीक है दोस्तों, धोलावीरा उसका नाम था, ठीक है। और देखो, कहते हैं कि अगर ये भी जो नगर थे, ये जो पूरा नगर था, ये एक ही प्राचीर से घिरा हुआ नहीं था, परंतु इसकी जो ये जो दुर्ग नगर था ये भी घिरा हुआ था प्राचीर से, ये अलग घिरा हुआ था और ये अलग घिरा हुआ था, ठीक है। तो ये 3 इसमें नगर थे। क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा पुरास्थल के उत्खनन के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का महानिदेशक कौन था? बढ़िया सवाल है। दयाराम साहनी, आर डी बनर्जी, सर जॉन मार्शल, मार्टिमर बीलर, ठीक है दोस्तों। हड़प्पा पुरास्थल यानी कि हड़प्पा का जो उत्खनन हुआ, ठीक है, खोज कब हुई? खोज तो बहुत पहले हो गई थी, परंतु कहते हैं कि भाई खोज भी उन्होंने की और उत्खनन उन्होंने किया, तो 1921 में, ठीक है, दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने, मगर किस किस के निर्देशन में? तो सर जॉन मार्शल। ये सर जॉन मार्शल कौन थे? भारतीय पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। इन्होंने ही हड़प्पा सभ्यता को सबसे पहले सिंधु सभ्यता कहा, ठीक है, सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता कहा, सिंधु सभ्यता नाम दिया, ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल मांडा कहाँ स्थित है? मांडा अभी बताया था आपको दोस्तों, सतलज के तट के निकट, झेलम के तट के निकट, चिनाब के तट के निकट या सिंध के तट के निकट, ठीक है। तो फ्रेंड देखो, ये भारत का नक्शा है, ठीक है, ये क्या है? जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर में एक मांडा है, यहां पर मांडा, ठीक है। तो
ये जो स्थल है, ये स्थल एक नदी के किनारे स्थित है, उसका नाम है चिनाब नदी। राइट आंसर है चिनाब, मांडा चिनाब। ठीक है, तो 5 में का सी राइट आंसर है। और दोस्तों ये जो मांडा है ये इस तरीके की इसका आकृति है, ठीक है, यानी कि ये सबसे सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी शहर है, उत्तरी नगर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति में नाट्य कला का सुस्पष्ट साक्ष्य कहाँ से मिलता है? यानी कि दोस्तों देखो, एक लेडीज है वो जो है खड़ी है, इस तरीके से खड़ी है दोस्तों, ठीक है, और उसके एक हाथ में चूड़ियां हैं बहुत सारी, और एक पूरा जो है ढका हुआ है, और ऐसा कहा गया कि वो क्या है, नृत्य नृत्य कर नृत्यकृत नारी की मूर्ति। और ये किसकी थी? कांस्य की मूर्ति थी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये कांस्य की मूर्ति थी ऐसे बोला गया है। तो ये जो पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है मोहन जोदड़ो से। मोहन जोदड़ो से दोस्तों क्या क्या मिला है? देखो, सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है, सूती कपड़ा। ठीक है, सबसे ज्यादा मोहर मिली है, सबसे ज्यादा मोहर मिली है, चांदी के साक्ष्य मिले हैं, चांदी के साक्ष्य। ठीक है, इसके अलावा चांदी के साक्ष्य है तो स्नान स्नानागार मिला है, स्नानागार एक स्तूप के पास है, स्तूप के पास। ठीक है, स्तूप के पास। ठीक है, अन्नागार, ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और देखो, 1922 में राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। और ये जो नगर था दोस्तों, सिंधु नदी के दाहिने तट पर था, दाहिने तट पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा संस्कृति किस स्थल से दो कब्रिस्तान के साक्ष्य प्रकाश में आए हैं? दोस्तों एक नगर है, ठीक है, एक नगर है और वो दो पार्ट में डिवाइड है। तो देखो दोस्तों, अब बताइए कि हड़प्पा संस्कृति, ये हड़प्पा संस्कृति कह लो या सिंधु सभ्यता संस्कृति कह लो, एक ही बात है, तो किस स्थल से दो कब्रिस्तान मिले हैं? देखो दोस्तों, मैंने बताया आपको कि पूरी सभ्यता में एक तो R37 और समाधान H, जो H है वो जो केबल और केबल एक जगह मिले हैं वो मिले हैं दोस्तों हड़प्पा में। ठीक है, हड़प्पा में मिले केबल। और देखो जो ये था ये यहां पर था, और ये वाला दोस्तों मेरे ख्याल से वो यहां था। ठीक है, तो ये जो समाधान एच है तो उत्तर हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा का है, जिसका समय 1750 से लेकर 1500 ईस्वी था। यानी कि जब हड़प्पा सभ्यता अपने पतन की ओर जा रही थी तो वहां पर एक हमें समाधान एच जो है कब्रिस्तान मिला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, देखो तबीयत खराब हो रही है, अब ये मैं सोच रहा तबीयत खराब हो रही है, फिर भी दोस्तों मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो समाधान ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अधोलिखित पुरातत्वेताओं में किसने
सर्वप्रथम आमरी की खुदाई की, आमरी की खुदाई की, आमरी दोस्तों ठीक है, आमरी आमरी खुदा। देखो आप देखते हैं कौन सही आंसर दे, ठीक है तो फ्रेंड देखो आमरी आमरी की खोज 1929 में एन जी मजूमदार ने की थी, मजूमदार ने, ठीक है। अगर बात करें ये कहाँ पर दोस्तों, तो ये भारत का नक्शा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत, ठीक है, सिंध प्रांत में ये कहाँ पर था, पाकिस्तान में, ठीक है। तो यहां पर गैंडे या राइनो के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और यहां पर बारह सिंगा के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इज आंसर नंबर सी, एनजी मजुमदार ने 1929 में आमरी की खोज की। आमरी और कोट दीजिए दोस्तों, ये आसपास है। और देखो ये जो है प्राक हड़प्पा स्थल है, प्राक हड़प्पा स्थल है, ठीक है। यानी कि ये जो है ग्रामीण सभ्यता थी, और इसके जो जब ये खुदाई हुई थी तो इसके अंतिम चरण में झूकर और झांगर संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कहां से शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिलते हैं, शल्य चिकित्सा, ठीक है दोस्तों, शल्य
शल्य चिकित्सा का मतलब क्या है दोस्तों? शल्य चिकित्सा का मतलब होता है टाके लगाना, ठीक है, टाके लगाना, ऑपरेशन करना, या दोस्तों कह सकते हैं भाई ट्रांसप्लांट करना किसी भी चीज को, दोस्तों हड्डी को ठीक करना, टूटी हुई हड्डी को ठीक करना, ठीक है। तो शरीर में टूट फूट को सही करना, ठीक है। तो कहां से मिला है? ऑप्शन में चार ऑप्शन है, लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा, आमरी, कोट दीजी, ठीक है। कहां से शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिलते हैं? तो फ्रेंड्स राइट आंसर लोथल से मिलते हैं, लोथल, ठीक है, लोथल से मिलते हैं। लोथल कहां दोस्तों? लोथल है गुजरात में, और कालीबंगा कहां दोस्तों? राजस्थान में, ठीक है। काले रंग की चूड़ियां। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार के मुहरें सर्वाधिक मात्रा मिली है, सर्वाधिक मात्रा में, ठीक है। अगर दोस्तों बात करें कि कितनी मोहरें मिली है, मोहरें कितनी मिली है, तो लगभग 2000 मोहरें मिली है, ठीक है, प्राप्त हुई है। किससे बनी हुई थी, किससे निर्माण हुआ? तो भाई तेल खड़ी, जो कि पकी हुई मिट्टी थी, ठीक है, या पकी मिट्टी, ठीक है। और अगर बात करें कि सबसे ज्यादा कहाँ मिली है, कहाँ मिली, तो मोहन जोदड़ो मिली, मोहन जोदड़ो में, ठीक है। अगर बात करें भाई तो कैसी मिली है सर्वाधिक लोकप्रिय, ठीक है, सर्वाधिक प्रकार, तो भाई वर्गाकार या चौकोर। यानी कि इस प्रकार की, ठीक है, इस प्रकार की मोहर मिली है, तो चौकोर या वर्गाकार इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति में निम्नलिखित में से कौन से स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित है? कच्छ प्रदेश दोस्तों ये गुजरात का राज्य है, ठीक है। तो जो कहते हैं भाई जो समुद्र से लगा हुआ जो तट है, ठीक है, उसको बोला है कच्छ करण, कच्छ करण, ठीक है। तो कच्छ के रण में कौन कौन से, पहला है देसलपुर, धोलावीरा, लोथल, रोजदी, ठीक है। दोस्तों अगर बात करें कि भाई गुजरात में
गुजरात में कहाँ कहाँ मिले? देखो दो प्रकार से मिले हैं, पहले है खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, और दूसरा है, ठीक है, दूसरा प्रकार क्या है इसका, कच्छ के रण में, ठीक है। अगर कच्छ के रण की बात करें तो यहां पर दोस्तों देसलपुर, देसलपुर, तुर कोटड़ा, जहां से घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए, कोटड़ा, घोड़े की हड्डी साक्ष्य। और तीसरा है आपका धोलावीरा, ठीक है। और खंबात खाड़ी में लोथल, रंगपुर, ठीक है, और आपका लोथल, रंगपुर, और जी शिकारपुर, रोजदी, रोजदी, प्रभासपट्टन, प्रभासपट्टन, ठीक है। इसके अलावा कुंतसी, ठीक है, कुंतसी, नागेश्वर, मेधम आदि मिले हैं, ठीक है। याद रखिएगा गुजरात में दो प्रकार के खाड़ी मिली है, तो वहां से अलग अलग चीज मिली है, ठीक है। देखो देखो स्थल कच्छ प्रदेश में है, तो इसमें कौन कौन से हैं, देसलपुर और धोलावीरा, जबकि खंबात खाड़ी में रोजदी और लोथल मिले। तो ऑप्शन नंबर एक और दो, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। कितना बढ़िया दोस्तों स्ट्रक्चर है इसका, आप अगर आएगा एग्जाम में तो आप लगा दोगे बड़े प्यार से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, किस सैंदव प्रास्थल से कांसे के तीन उपकरणों का गुच्छा शल्य चिकित्सा या प्रसाधन के लिए प्रयुक्त हुआ है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंद्रलो, धोलावीरा, ठीक है। देखो फ्रेंड, देखो कहां से मिला है, हड़प्पा से मिला है। तीन गुच्छा में क्या कहता, ईयर स्कूप, ईयर स्कूप, चिमटी और बेदनी, ये तीन जो है एक कांसे के बने हुए थे, ठीक है। तो एक गुच्छा टाइप का है, इतिहासकार ये मानते हैं कि भाई या तो ये शल्य चिकित्सा के लिए, या तो ये टांके लगाने के लिए था, या बालों में कहते हैं हेयर पिन, ईयर पिन उनमें करने के लिए था, ठीक है। तो ये मिला है हड़प्पा से। नवीन जानकारी के तहत हड़प्पा से चांदी के साक्ष्य भी मिले हैं, चांदी के साक्ष्य भी मिले हैं, नई जानकारी के रूप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13,
तांबे की एक मानव आकृति निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुई है? रोपण, सुरकुटला, लोथल, रोजदी। तांबे की एक मानव आकृति कहां से प्राप्त हुई है? ठीक है, तो फ्रेंड्स राइट आंसर है लोथल से। ठीक है, लोथल से दोस्तों, लोथल में क्या है कि भाई अगर बात करें इसकी खुदाई की, तो खुदाई 1954 में इसकी खोज हुई किसने दोस्तों? एस आर राव ने खोज की और 1957-58 में इसकी जो है खुदाई हुई। ठीक है, ये गुजरात के गुजरात के अहमदाबाद जिले के सरगवल जिले में स्थित है। ठीक है, और यहां से दोस्तों क्या क्या मिला है? बंदरगाह है। ठीक है, मानव आकृति मिली है, मानव आकृति तांबे की, युग्म समाधान मिले हैं, ठीक है, इसके अलावा यज्ञ वेदी मिली है, ठीक है, पंचतंत्र की कहानी में स्थित चालाक लोमड़ी की मोहर मिली है। ठीक है, और हाथी दांत का स्केल मिला है। कितना बताऊं सर, आप भर गए तो तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति निम्न में से किस प्रजाति से संबंधित है? दोस्तों मैंने बताया आपको कि जो मानव प्रजातियां ठीक है, उनमें देखो जब मानव ने थोड़ा सा विस्तार किया अफ्रीका के जंगलों से, तो किस देखो सबसे पहले जो प्रजाति थी उसका नाम था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, लगभग 56 लाख ईसा पूर्व की बात है ये। तो फिर देखो अब वो जो मानव था वो चारों तरफ फैल गया, तो किसी का नाम आद ऑस्ट्रेलाइड हो गया, किसी का नाम ठीक है मंगोलाइड हो गया, मंगोलाइड, और किसी का नाम दोस्तों भूमध्य सागर हो गया, क्योंकि भूमध्य सागर के लाइन पर हो गया वो। ठीक है, भूमध्य सागर
फ्रेंड्स देखो, हाँ ठीक है, भूमध्य सागर हो गया, भूमध्य सागरीय है, ठीक है। और किसी का नाम हो गया अल्पाइन, अल्पाइन पर्वत चल गया अल्पाइन, ठीक है। दोस्तों ये जो नर्तकी की मूर्ति मिली है, ठीक है, मोहनजोदड़ो में, अगर उसकी प्रजाति की बात करें तो वो प्रजाति थी आपकी आद ऑस्ट्रेलाइड। क्या दोस्तों? आद ऑस्ट्रेलाइड उसकी प्रजाति थी, ठीक है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित पशु समूह में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है? दोस्तों मोहनजोदड़ो में एक क्या मिला है, एक मोहर मिली है काफी बड़ी मात्रा में, ठीक है। तो उस पर क्या है कि भाई एक इंसान जो है पालती मारकर बैठा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, इस पर बैठा हुआ है। उसके हाथ यहाँ पर है, एक हाथ यहाँ पर है। उसके सिर पर दोस्तों इस तरीके से जो है त्रिशूल बना हुआ है, ठीक है। अब वो और उसके देखो सामने हिरण चुग रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से हिरण चुग रहे हैं, ठीक है। अब वो यहां पर ये पूछ रहा है कि भाई उस मुद्रा पर इधर और इधर चार पशु थे, उन पशुओं के नाम बताइए। ठीक है, तो फ्रेंड देखो यहां तो यहां था चीता या व्याघ्र और यहां था आपका हाथी, यहां था आपका गैंडा और यहां था आपका भैंसा, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा व्याघ्र, हाथी, गैंडा और भैंसा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस प्रास्थल के दुर्ग में सात अग्निकांड प्राप्त हुए हैं? देखो दोस्तों एक स्थल है इस तरीके का, एक स्थल इस तरीके का है, वो स्थल है। अब ये माना गया है कि ये जो बाहरी दीवार थी उस शहर की, तो एक बार भूकंप आया, ठीक है, अग्निकुंड आग जल गई, तो लोगों ने दूसरी परत बना दी, ठीक है, फिर अग्निकांड हुआ, फिर तीसरी बना दी। इस तरीके से 7 बार उसकी दीवार बनाई गई, ठीक है। तो किस प्रास्थल के दुर्ग में, क्योंकि भाई दुर्ग था ये वाला, ये निचला दुर्ग था, तो इस जगह पर जो है 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। ये जो ये देखो सॉरी सॉरी, ये अग्निकुंड पुत्र अग्निकांड नहीं। तो देखो दोस्तों अब हुआ क्या, ये दुर्ग नगर है, तो यहां पर क्या है दोस्तों, अग्निकुंड मिले हैं इस तरीके से सात, ठीक है, अग्निकुंड की बात कर रहा है ये, अग्निकांड की नहीं, क्योंकि तो दामाबाद से भूकंप साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं, इनको क्या बोला गया है, तो इनको बोला गया यज्ञ बेदी, यज्ञ बेदी बोला गया है, ठीक है। आप सभी को पता होगा यज्ञ बेदी कहाँ कहाँ मिली है,
तो फ्रेंड्स यज्ञ वेदी, कालीबंगा, लोथल, बनावली और चनहुदड़ो में है, चनहुदड़ो। परंतु सवाल पूछ रहा है सात अग्निकुंड जो मिले हैं वो मिले हैं दोस्तों कालीबंगा में। कालीबंगा में सात अग्निकुंड मिले हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है दोस्तों? कोई सूती कपड़ा इस तरीके का, ठीक है, सूती कपड़ा, और वो एक बर्तन पर लिपटा हुआ है, बर्तन पर, ठीक है। कोई बर्तन है, नीचे क्या है, बर्तन है दोस्तों, ठीक है। ये क्या है, कोई बर्तन है यहां पर, ये बर्तन है, ठीक है। तो निम्न में से किस हड़प्पा स्थल सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है? तो फ्रेंड्स कहां से मिला है? मोहन जोदड़ो से मिला है। यहां से चांदी के साक्ष्य मिले हैं, चांदी के साक्ष्य, ठीक है। सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा ईंटों के नाप का अनुपात क्या है दोस्तों? देखो ये ईंट है, ठीक है, ये ईंट है, ठीक है। आजकल जो ईंट बन रही है हमारे यहाँ, इस तरह की बन रही है, ठीक है, कुछ भी एक्स वाई जेड लिख सकता है उसमें, तो अब ये पूछ रहा है कि भाई इसकी इसकी जो मोटाई है, ठीक है, और ऊंचाई और लंबाई का अनुपात कितना था, ठीक है। अगर दोस्तों बात करें मोटाई की तो एक अनुपात था उसका, और ऊंचाई की बात करें, नहीं, मोटाई और ऊंचाई की बात हुई, ये हुई चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई तो दुगनी थी, ठीक है, और लंबाई उससे भी दुगनी थी, ठीक है। तो देखो अगर हम इस तरह की बात करें भाई, इस तरह की बात, इस तरह की बात, ठीक है, ये कितनी हुई, ये हुई इसकी मोटाई या ऊंचाई, ठीक है। तो ऊंचाई कितनी थी, ये ऊंचाई हुई, ऊंचाई थी माना 1 सेंटीमीटर या 1 इंच मान लो, ठीक है, और या 1 फुट मान लो, जितनी भी हो। और अगर इसकी चौड़ाई की बात करें, ठीक है, ये हो इसकी लंबाई, ये इसकी चौड़ाई, तो भाई इसका ये दोगुना था और ये इसका 4 गुना था, ठीक है, 2 गुना, तो 1, 2 और 4 के अनुपात में थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित किस नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था? दोस्तों भाई कोई घर है, ठीक है, अब घर में जो फर्श पड़ रहा है, फर्श नहीं, जो घर बन रहा है, जो
क्योंकि भाई एक मंजिल हो या दो मंजिल हो, जितना भी हो, ठीक है, तो उसका जो निर्माण हुआ था, जो प्रस्तर था, प्रस्तर जो नीचे का, तो प्रस्तर मान लो आप, फर्श मान लो, तो वो कच्ची ईंटों का था, कच्ची ईंटों का। तो कहां पर मिला दोस्तों? ये मिला है आपका धौलावीरा में, ठीक है, धौलावीरा में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? दोस्तों हरियाणा में अगर बात करें तो फिर देखो, हरियाणा की बात करें, हरियाणा की, तो यहां पर आपका भाई बनावली, ठीक है, राखीगढ़ी, ठीक है, इसके अलावा यहां पर कुणाल, झज्जर, ठीक है, झज्जर, बनावली आ गया, गढ़ी, मिथातल, मिथातल, बालू, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों हरमना, बेदवा, पुथी, सेमन, अचिन, हिंडोल, झिंझर, मिर्च, मिश्री, मोरवाला, सोप, कसानी, ठीक है, झिंझर, मिर्च, सोफ, कसानी, हिंडोला, ठीक है, अन्यथा। तो देखो बनावली ठीक है, इसमें राखीगढ़ी ठीक है, जबकि कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। रोपड़ कहाँ है? तो ये पंजाब में है, ठीक है। तो भाई पहला और तीसरा, यानी कि इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, मलेरिया मलेरिया का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है, मलेरिया का, ठीक है, बढ़िया सवाल है। तो मलेरिया का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है, वो कहां पर मिलता है? ठीक है, दोस्तों देखो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, नहीं देखो, एक आप प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलता है, प्राचीनतम, तो फ्रेंड्स मलेरिया का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो मोहनजोदड़ो से मिलता है, ठीक है। और देखो किसने खोज की, यू आर कनेडी ने खोज की इसकी, ठीक है, यू आर कनेडियन है, ठीक है। तो मलेरिया के साक्ष्य जो मिले हैं मोहनजोदड़ो से मिले हैं, 1922 में इसकी खोज हुई, खुदाई हुई, ठीक
है, आर एस बनर्जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, किस हड़प्पा स्थल से एक मानव अस्थि पंजर के निकट एक बकरे का अस्थि पंजर प्राप्त हुआ है? दोस्तों माना एक कब्र है ये, यहां पर दोस्तों एक इंसान को लिटाया गया है। ठीक है, और उसके पास में तो एक ये मानव है और ये क्या है, एक बकरी है। ठीक है, तो देखो अब क्या था कि यहां के लोग ये मानते थे कि जब ये इंसान मर गया है तो इसके साथ में एक बकरी को भी दाब देते हैं, दफना देते हैं, ताकि ये अगले जन्म में इसको खा लेगा भूख लगेगी तो। ठीक है, ऐसा उनका मानना था। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है लोथल से मिले हैं। लोथल से देखो तो युगम समाधान भी मिले हैं और एक कब्र में बकरी और मानव साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, 1954 में इसकी खोज SR राव ने की, SR राव ने, और 1957-58 में इसकी क्या हुई, खुदाई हुई। ठीक है दोस्तों, यह फारस की मुद्रा, हाथ लटकान, लोमड़ी का चित्र मिला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, कोणीय मापन का पैमाना किस संदर्भ स्थल चित्र मिला है? कोणीय मापन, भिरणा, सौराष्ट्र, कच्छरण, दैमवाद। ठीक कोणीय माप का पैमाना दोस्तों गुजरात को पहले सौराष्ट्र भी बोलते थे। ठीक है, सौराष्ट्र आज भी सौराष्ट्र की टीम खेलती है। ठीक है दोस्तों, और सौराष्ट्र को हम खंबात की खाड़ी का क्षेत्र भी कह सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो देखो हाथ कोणीय माप का पैमाना जो मिला है कहाँ मिला दोस्तों? ठीक है, वो मिला है सौराष्ट्र में, क्योंकि देखो जो भिराड़ा है कच्छ का रण दैवत महाराष्ट्र में है। कच्छ का रण दोस्तों कहाँ, ये क्या देसलपुर, धोलावीरा और सुरकोटड़ा मिला है। ठीक है, जहां से घोड़े साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और सौराष्ट्र जो है दोस्तों यहां पड़ता है लोथल, तो लोथल से जो है कोणीय माप का पैमाना प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 24, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षण शाला निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय स्थल पर पाई गई है? तो फ्रेंड देखो क्या है कि भाई एक स्थल पर पर्यवेक्षण शाला, पर्यवेक्षण
वेक्षण शाला प्राप्त हुई है, तो वो कहाँ हुई है दोस्तों? वो हुई है धौलावीरा में। धौलावीरा के जो लोग थे वो खगोलीय ज्ञान को जानते थे, खगोलीय ज्ञान को जानते थे, ठीक है। और यहां पर उसको क्या मिला है? वाटर हार्वेस्टिंग के साक्ष्य मिले हैं, हार्वेस्टिंग के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है। इसको दोस्तों बोल सकते हैं जल प्रबंधन के साक्ष्य, ठीक है, अगर आपको इंग्लिश ना पता हो तो। क्वेश्चन नंबर 25, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल के उत्खनन से बड़ी संख्या में बहुमूल्य धातु तथा पत्थरों के आभूषण मिले हैं? तो फ्रेंड देखो राइट आंसर है इसका अल्लाह है दीनो, ठीक है, अल्लाह है दीनो, रहमान डेरी, किलेगुल मोहम्मद, ये कहाँ पढ़ते हैं? पाकिस्तान में पढ़ते हैं, ठीक है, पाकिस्तान में। और इसका साक्ष्य क्या है? तो यहाँ पर यहाँ की किलेबंदी नहीं की गई थी, बंदी नहीं की गई थी, ठीक है, अल्लाह दीनों, और साथ में पता है चनहुदड़ो, ठीक है दोस्तों।
हदलो, चंदू हदलो। देखो अल्लादीनों का में सोने के साक्ष्य मिले हैं, सोने के आभूषण। ये साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, किन हड़प्पीय स्थलों से, किन हड़प्पीय स्थलों से पकी मिट्टी के हल के नमूने मिले हैं। दोस्तों पकी मिट्टी का जो हल है इस तरीके, ठीक है, का जो है फॉल मिला है। ठीक है, ये इस तरीके का जो है हल मिला है, ये हल मिला पकी मिट्टी का हल। ठीक है, तो अब क्लास को 7 या 8 स्टूडेंट देख रहे हैं, कोई बात नहीं, जितने भी देख रहे हैं कोई बात नहीं, ठीक है, बाद में देख लेंगे। तो देखो दोस्तों आपको पता है बनावली में तो मिला ही है, बनावली में, और साथ में बहावलपुर भी मिला है, बहावलपुर में भी मिला है। ठीक है, तो बहावलपुर और बनावली, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस विकसित हड़प्पा स्थल में एक महिला का मृत शरीर सरकंडे की चटाई में लिपटा काष्ठ के ढक्कन वाले ताबूत में मिला है। एक दोस्तों क्या है, एक महिला का ताबूत में, ये क्या है, ताबूत है मिला है, और उसमें एक महिला का शव मिला है। ठीक है, इस तरीके से मैया और महिला जो है लेटी हुई है। ठीक है, इसके जो हाथ इधर है ये महिला है। ठीक है दोस्तों, महिला का शव है। और इसके ऊपर जो दोस्तों सरकंडे के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, इसके ऊपर सरकंडे सरकंडे से, सरकंडे से घिरा हुआ, सरकंडे की लकड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स राइट आंसर है हड़प्पा से मिला है, हड़प्पा से, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 28वां सवाल, हड़प्पा कालीन सबसे लंबा अभिलेख कहाँ मिला है। दोस्तों देखो कोई इस तरीके का है, और यहां पर जो है इस तरीके का एक साइन बोर्ड है। ठीक है, इसमें कुछ भी अक्षर लिखे हुए हैं, यानी कि इसमें कितने अक्षर थे, 10 अक्षर थे, 10 अक्षर थे, चूने के बने थे, जिसको बोला गया है गिरा हुआ, गिरा हुआ साइन बोर्ड बोला गया है, साइन बोर्ड। ठीक है, वो कहां से मिला दोस्तों, एक दरवाजे पर जो साइन बोर्ड था वो गिरा हुआ मिला है। ठीक है, तो कहां से मिला है फ्रेंड्स, वो मिला है धौला बीरा से। ठीक है, धौला बीरा से मिला है। क्वेश्चन नंबर 29, उत्तर प्रदेश का प्रथम हड़प्पा कालीन समाधान स्थल है। हुलास, आलमगीरपुर, मांडी, सनौली। दोस्तों ये चारों जो है उत्तर प्रदेश के स्थल हैं, उत्तर प्रदेश के स्थल याद रखिएगा। ठीक है,
उत्तर प्रदेश का प्रथम हड़प्पा कालीन समाधान स्थल है, यानी कि ऐसा कौन सा स्थल है इनमें से जहां सबसे पहले जो है समाधान मिले हैं। ठीक है दोस्तों, क्या क्या मिला है? एक बहुत बड़ी तलवार मिली है, तलवार, ठीक है, ढाल मिली है, ढाल, बर्तन, रथ मिला है, और क्या मिला दोस्तों? 125 समाधान मिले हैं। ये मिला है सलोनी, सनोली, ये यूपी के बागपत जिले में है, और 2005 में इसकी खोज हुई। ठीक है, मंजुल, अमित कुमार मंजुल ने इसकी खोज की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 आखिरी सवाल है, गुजरात ने में स्थित रंगपुर, रोजदी, बाबरकोट और पादरी स्थल है। प्राक हड़प्पा, दीक्षित हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों देखो, हड़प्पा जो है, हड़प्पा का तीन काल है, तीन काल में डिवाइड है। ठीक है, मैं बार बार पूछता हूं, कहता हूं, पहला है प्राक हड़प्पा जिसका काल है 3200 लगभग से लेकर 2350 BC। ठीक है, दूसरा है परिपक्व हड़प्पा, ठीक है, 2350 से लेकर 1750, और ये उत्तर हड़प्पा, ठीक है, 1750 से लेकर 1500। तो सवाल जो पूछ रहा है, इससे पूछ रहा है उत्तर हड़प्पा, ये हड़पोत्तर काल, ये परवर्ती हड़प्पा। तो फ्रेंड्स देखो, रंगपुर, रोजदी और बाबरकोट जो है, जो पादरी और भराड़ा, ये दोस्तों उत्तर हड़प्पा के हैं, उत्तर हड़प्पा के हैं। ठीक है, जबकि लोथल जो है दोस्तों, आपका लोथल, धोलावीरा, ये विकसित के हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखो, ये कैसी क्लास लगी? ठीक है, आपको आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। ठीक है, जो भी देख रहे थे इतनी रात में, सबका धन्यवाद, क्योंकि तो भाई सबको पता है कि भाई रात में देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ बात है। ठीक है, धन्यवाद। तबीयत दोस्तों खराब, आप देख रहे होंगे पूरी पूरी क्लास में दोस्तों तबीयत खराब ही रही है, क्या करूँ। धन्यवाद क्लास करने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आह।